अमित अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और आप जैसा कि जानते हैं कि PDHRI जो बहुत ही यहां का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता रहा है। प्रदीप दुबे जी इसके हेड हुआ करते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी जगह पर उनकी वाइफ, उनकी पत्नी रेखा दुबे जी आ गई हैं और उनका जो दाया बाया जो लोग थे, यानी रॉकी, जकी अहमद जैसे वकील, मोहम्मद वकील साहब, इमरान साहब, ये लोग जो थे, ये एक पिलर थे। इन्हीं की बदौलत ये सारा PDHRI चल रहा था। आज फिर ये लोग इकट्ठा हुए हैं, रेखा दुबे के साथ हैं और रेखा दुबे ने भी ये अहद किया है कि हम मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर PDHRI दोबारा चलना शुरू कर दिया है। उसी सिलसिले की पहली कड़ी के तौर पर आज यहाँ एक मीटिंग हुई है जिसमें कई लोगों ने शिरकत की और जो है इसका जो सबसे बड़ा काम होगा वो नवंबर में रैली होगी, जस्टिस फॉर रैली इन्होंने यहाँ पर नाम लिख के रखा है। तो ये रैली शुरू होगी और उसकी अगुवाई करेगी रेखा दुबे, मोहम्मद जकी, मोहम्मद वकील साहब और इमरान वगैरह और जितने मेम्बर्स हैं। मैं तो यही चाहूँगी जैसे दुबे जी के साथ में आप लोग खड़े थे वैसे मेरे साथ भी में रहिए और जैसे PDHRI का नाम आगे हुआ और भी आगे जाए, यही आप लोगों से विनती है। जो जो वो काम करते थे दुबे जी वैसे आप लोग भी साथ में करिए। मोहम्मद अकील हैं, जाकिर हैं, इमरान हैं, सभी लोग मिलके जैसे हाँ जो करते थे वैसे आप लोग भी साथ में रह के करिए। दुबे जी ने तो बहुत दूर दूर तक अपना जो है संस्था को आगे बढ़ाए हैं, बहुत दूर दूर तक काम किए हैं, सभी के साथ मिलकर किए हैं, न कोई जात देखे न बिरादर देखें, हिंदू मुस्लिम जो भी हो सबके साथ में काम किए हैं। मैं वैसे आप लोग के साथ में हूँ। मेंबर लोग भी यही काम करेंगे जैसे होता है, सबको तो पता है कैसे कैसे किया जाएगा, तो वकील सर बोल ही दिए हैं। तो नए सिरे से सब काम करेंगे, चलना शुरू हुआ। अभी तो इतना दिन बीमार थे, थोड़ा काम रुका हुआ था, लेकिन अब जो है सबके साथ में करना पड़ेगा। हर मीटिंग में रहना, हाँ हम हर मीटिंग में सबके साथ हैं। रेखा दुबे के दुबे जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी वाइफ रेखा दुबे जी के कंधों पर ये जो जिम्मेदारी आई है, उन्होंने वादा किया है और उनकी ये ख्वाहिश भी है कि वो भरपूर तमाम लोगों का तआवुन करेंगी। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे वकील हैं, रॉकी हैं, इमरान हैं और तमाम यंग बॉयज़ जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, डॉक्टर निहाल साहब हैं और दीगर रिस्पेक्टेड पर्सन जो मौजूद हैं, कि वो महीने में, हफ्ते में, दो महीने में जो प्रोग्राम हो वो भरपूर इसमें तआवुन करें। इससे लोगों को फ़ायदा होगा और दुबे जी के आत्मा को भी शांति मिलेगी। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। PK दुबे जी इसी काम को लेकर आगे चले थे और उन्होंने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, ज़ात बिरादरी सबके फ़ायदे के लिए उन्होंने काम किया और सबको ले दे के चले। हज़ारों लोग उनसे मुस्तफ़िज़ हुए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तालीम के लिए बहुत काम किया। उनकी बेगम मैडम रेखा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने वादा किया है कि जो काम दुबे जी करते थे उस काम में हम लोगों का तआवुन करेंगे, हम लोग भी उनके साथ तआवुन करेंगे। आज हमारे बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें शामिल हुए। ये एक बहुत अच्छा PDHR जो है प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, एक बड़ा अदारा है, इंसानों की भलाई का काम इसमें किया जाता है। कैसा लग रहा है, ईमानदारी से कहा जाए तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि दुबे जी हमारे बीच नहीं है, पर ये सत्य है और ये सत्य हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि दुबे जी हमारे बीच नहीं रहे। रहा हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उन्होंने जो एक मिशन स्टार्ट किया था वर्षों पहले, उसको हम लोग आपसी सहयोग से और आगे ले जाएं। PDHRI का दरअसल मुख्य उद्देश्य है लोगों का भला, अपने स्वार्थ से हटकर लोगों का भला करें। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जकी हुसैन है, मैं यूथ का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, कॉर्डिनेटर फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया।
आज जो ये प्रोग्राम हम लोग किया गया, ये प्रोग्राम हम लोग ये बीच जो हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार जो नेशनल प्रेसिडेंट थे वो हमारे बीच इस वक्त नहीं रहे, लेकिन जैसे वो हमारे बीच गार्जियन थे, अब हमारे बीच नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जो रेखा दुबे जी है वो मैडम, जैसे वो लोग हमें सपोर्ट देते थे, अब हमें रेखा जी का सपोर्ट चाहिए और हम लोग इस काम को अंजाम देते आगे चल रहे। देखिए ह्यूमन राइट ये क्या है, ये ह्यूमन राइट सबसे पहले आप जाने, सब तो बोलते ह्यूमन राइट क्या है, ह्यूमन राइट का मतलब मानव अधिकार, ये अधिकार आपको अपना अधिकार जानना होगा। हम लोग पूरा गाइडलाइंस करेंगे थाना में, स्पोर्ट में, हेल्थ में, जहाँ जहाँ कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा, जैसे हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम होगा आप हमारे ह्यूमन राइट से कॉन्टैक्ट करें, हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। स्पोर्ट में किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगा वो हम लोग हेल्प करें। कानून आज देखिए, आज आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइएगा, कोई छोटा मोटा जब मोबाइल किसी का चोरी होता है तो वहाँ पर जाने से बाद वो क्या लिखा दे, लेटर लिख के लाइए। अरे लेटर लिखना अपना काम है, लेटर लिखना उनका काम है। तो ये अधिकार, ये कानून आप लोग को जानना होगा ये कानून क्या है। और जैसे देखिए हमारे बीच वकील भाई हैं, इमरान भाई, हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम करते थे, जैसे सर के बीच में जो हम लोग गरीब लड़की का जो शादी हुआ था, हम लोग 25-30 लड़की का शादी कराई, जो हमारे इमरान भाई है तपस्या ब्लॉक कमेटी के, और हम लोग के यूथ में भी हम लोग साथ में हम लोग काम करते हैं वकील भाई। और इस तरह हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सारा जहाँ जहाँ जिस चीज़ को प्रॉब्लम होगा, हम लोग तीनों भाई मिल के और हमारे बीच जो रेखा दुबे मैडम है, हम लोग चारों मिल के एक टीम है। सर के पहले भी चार टीम था और आज सर नहीं है तब भी हम लोग चार टीम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत्यकाल। बहुत खुशी का बात है कि आज हम लोग सब एक साथ, बहुत दिन बाद एक साथ हुए हैं दुबे जी का शरद में हम लोग शामिल होने के लिए। आज मैडम आई है हम लोग का, रेखा दुबे जी मैडम जो आज जनरल सेक्रेटरी आज जो हुए है दुबे जी का बदले, आज ये खड़े हुए हम लोग का संग में, हम लोग गार्जियन बन के। देखिए दुबे जी जो थे वो एक सर्कुलर इंसान थे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो नहीं करते थे। देखिए हम लोग जितना आज तक प्रोग्राम किया सब जाति को ले के किया, जैसा हम लोग आज तपस्या कमेटी में हम लोग आज इज्तिमा शादी जो बोलते हैं वो हम लोग किया, 15-20 लड़कियाँ शादी किया, जिसमें वो निकाह में वो खुद शामिल थे वहाँ पे। तो इससे लगता है कि वो सर्कुलर है कि हम सब जात का लेके हम लोग वो काम करते थे। तो यही गुजारिश है सबसे कि जितना मेंबर था जो हम लोग संघ में, जितना कमेटी का होल्डर पोस्ट होल्डर था, ब्लॉक कमेटी का जितना था, तो हम सबको बोलेंगे, दावत देंगे सबको कि फिर से एक नया प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया तैयार किया जाए। मानव सेवा परम धर्म है और प्रत्येक लोगों की सेवा किया जाए, सबको न्याय मिले। तो हम लोगों का सोच है कि अब तो भाई साहब रहे नहीं, तो जितने लोग उनके साथ सहयोग में थे सारे लोग मेरे साथ भी सहयोग में रहें और हम लोग उनकी सोच को और आगे बढ़ाएं। काफ़ी जो काम पेंडिंग हो गया है या जिस चीज़ की वजह से हम लोग पीछे हो गए हैं, अब हम लोग मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे और नियम से काम होगा। मेरा नाम वेद व्यास दुबे है उर्फ सोनू। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट युवा इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। हमारे बीच दुबे जी नहीं रहे लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बीच है। ये जो इतना तादाद हम लोग देख रहे हैं, उनके जो नाम का, उनके काम को जान के लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनको ये मान रहा हूँ कि उनकी मिशन, उनका आइडियोलॉजी, उनका प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक मिशन, वो सब हम लोग के साथ में है। वतन की खाक से मिलकर वतन की खाक होता है, वतन की खाक से मिलकर वतन की खाक होता है, खुदा की जात से मिलकर खुद ही पाक होता है, खुदा की जात से मिलकर खुद ही पाक होता है। शहीदों की ज़मीं है ये, शहीदों की ज़मीं है ये, यहाँ का हर एक एक बच्चा कोई बिस्मिल, कोई भगत, कोई अशफाक होता है, कोई बिस्मिल, कोई भगत, कोई अशफाक होता है। ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ अवेयरनेस के लिए हो, लीगल एड अवेयरनेस के लिए हो, स्पोर्ट्स अवेयरनेस के लिए हो, या कोई भी मामला हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, इतना सारा मामलात में हम लोग काम किए हैं। ये हम लोग को इस बात का ये फीलिंग हो रहा है। आपने स्लोगन देखा होगा, मैं बराबर लिखता रहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ में। जितने लोग आज हम लोग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, या जो भी जो वेल विशर है, उन तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग देखने वाले लोग हैं, जो हमारे मेनी मेनी थैंक टू जनता टीवी, जावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो PDHRI के प्रोग्राम को कवर करते हैं। जो लोग देख रहे हैं उन तमाम लोगों को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया से जुड़िए, सोशल काम से जुड़िए। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं
मैडम रेखा दुबे जी से कांटेक्ट करें, उनके तमाम जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी से कांटेक्ट करें, और नवंबर में हम लोग एक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करने चाह रहे हैं। हम लोग सब मिल के एक टीम बना के काम करेंगे ताकि दुबे जी की आत्मा को शांति हो, उनका मिशन जो है आगे चलता रहे।